नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि मान लीजिए आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है और आपको मिल नहीं रहा है, या फिर आधार कार्ड आपका कहीं गिर गया है और आप चाहते हैं कि दूसरा आधार कार्ड बन के मेरे घर पर आ जाए, तो वो किस प्रकार आप रिप्रिंट के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देंगे और सर्च बार में आपको यहाँ पर लिखना है UDAI, ये आपको UIDAI.gov.in ये वाली वेबसाइट आपको सर्च बार में लिख देनी है। जैसे दोस्तों आप ये वाली वेबसाइट को लिख देंगे, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और ये नई वेबसाइट है नहीं है, ये पुरानी वेबसाइट है और भारत सरकार की वेबसाइट है। इसी पे आधार कार्ड की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, इसका एक एप्लीकेशन भी आया है, लेकिन एप्लीकेशन में मुझे ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं, इसलिए मैंने एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया। अब यहाँ पे आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको ये डेस्कटॉप साइट में इसको ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट जैसे दोस्तों कर लेंगे तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, आधार कार्ड के लिए ऑर्डर रिप्रिंट करना है और चेक आधार स्टेटस, बुक अपॉइंटमेंट। तो ये आने वाले वीडियो में अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई ये भी बता दो तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे डाउनलोड आधार पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों डाउनलोड आधार पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ये आधार नंबर आपको डालना है और यहाँ पे आपको ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, दोनों में कोई हो तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप आधार नंबर डाल देंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको डालना है ये कैप्चा, कैप्चा सेम होना चाहिए। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना, और दोस्तों ये ओटीपी जाएगी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, तो ओटीपी यहाँ पे सेंड हो चुकी है और यहाँ पे आपको ओटीपी यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर से जो 6 डिजिट की ओटीपी आएगी वो आपको डालनी है। तो यहाँ पे ओटीपी मैं चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ओटीपी आ गई है, ये ओटीपी मैंने कॉपी कर ली। अब इधर कॉपी करने के बाद यहाँ पे ओटीपी मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने ओटीपी पेस्ट कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे ओटीपी पेस्ट नहीं हो रही, मुझे मैन्युअली डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ओटीपी एक बार चेक कर लेता हूँ क्या थी ओटीपी, तो ओटीपी है 2294, तो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल लेता हूँ 2294। ओटीपी डालने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे ओटीपी जैसे ही आपने डाल दी है यहाँ पे नीचे आना है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा डिड यू नो यू कैन रिप्रिंट ऑर्डर, अगर आपको रिप्रिंट कराना है तो यहाँ पे यस कर देना है। तो दोस्तों मैं आपके बताने के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे रिप्रिंट नहीं कराना है, तो यहाँ पे मैं अभी नो करता हूँ। अगर आप रिप्रिंट कराना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये लिखा है हाउ मेनी डेज डू यू रिसीव रिप्रिंट ऑर्डर लेटर बाय SMS, तो यहाँ पे 5 दिन में आप चाहते हैं, या 6 से 10 दिन में, या 11 से 15 दिन में, या मोर देन 15 दिन, या डिड नॉट रिसीव नॉट ऑर्डर, तो नॉट ऑर्डर मैं अभी ऑर्डर नहीं करना चाहता हूँ। आप अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो इसमें कोई भी दिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपके घर पे आ जाएगा इंडियन पोस्ट ऑफिस के हिसाब से। तो यहाँ पे अभी तो मैंने बताया कि आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नॉट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे नॉट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई एंड डाउनलोड पे जैसे ही आप दोस्तों क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिए एक मैसेज भी आपके पास आ चुका है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये आधार कार्ड का ये ऑप्शन भी आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये फाइल प्रोटेक्टेड मांग रहा है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पासवर्ड क्या डालना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पासवर्ड आपको पहले के 4 डिजिट डालने हैं आपके नाम के, जो आपके फर्स्ट 4 डिजिट हों, फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के लास्ट ईयर से डालने हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ के लास्ट ईयर से जैसे ही आप डाल देंगे फिर उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आधार कार्ड जो है वो आपका यहाँ पे शो होने लगा। तो इस तरीके से आप आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को।
साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।